आखिर हमेशा शुरू और अंत में ही क्यों लगाया जाता है ट्रेनों में जनरल डिब्बा, जान लीजिए सच्चा। तो मैं उमर, आप देख रहे रेलवे में लव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोग के लिए काम आएगी। तो एज पर रेल फैंस, मैं आपको बता दूं, ट्रेन का सफर तो आप सभी ने किया ही होगा, और अगर आप एरोप्लेन से उड़ते हैं तो जल्दी रेलवे को मजे लीजिए, यानी कि उसके सफर कीजिए। तो दोस्तों, भारत की अधिकतर आबादी ट्रेन से ही यात्रा करना पसंद करती है, और ऐसे में क्या आपने नोटिस किया है कि जनरल डिब्बा हमेशा शुरू और अंत में ही क्यों लगाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अमूमन लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें से भी एक ट्रिक है। दरअसल जनरल डिब्बों में सबसे अधिक पैसेंजर होते हैं, और इसमें स्टेशन पर उतरते समय पैसेंजर भी बढ़ जाते हैं और स्टेशन पर भीड़ भी नजर नहीं आती। जबकि ऐसा ना किया जाए तो एक ही स्थान पर काफी भीड़ दिखने लगेगी, और इसमें इमरजेंसी में भी रेलवे को काफी सहूलियत मिलती है, और अनहोनी होने पर भीड़ एक ही जगह इकट्ठा नहीं हो पाती, जिससे बचाव कार्य में भी दिक्कत नहीं आती। और इसी कारणवश जनरल डिब्बे 3 आगे तो 3 पीछे, 2 पीछे तो 2 आगे, और नहीं तो एक भी जनरल डिब्बा नहीं देखने मिलेगा। मैं उमर, आप देख रहे हो रिलीज मतलब, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।